हेलो डियर स्टूडेंट, एक डाउट मिला आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डाउट है, बहुत ही प्यारा सा डाउट। आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पर ले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज सिक्स कॉर्नर्स एट, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी डी ई और एफ के। एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है कि इतना मैग्नेटिक फील्ड लग रखा है बी नॉट आई के प्लस के कैप का, इज प्रेजेंट इन द रीजन। The flux passing through the loop A B C D E F A, ये पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। आइए सबसे पहले इसका एक पिक्चर बनाते हैं। देखो, जैसे ये आप एक प्लेन ले लीजिए, ये मैंने एक प्लेन ले लिया, ठीक है। इस प्लेन में ये आप x एक्सिस मान लीजिए, ये y एक्सिस मान लीजिए और ये z एक्सिस मान लीजिए। 3D में सोचते हैं हम लोग इसको। हमें फ्लक्स चाहिए और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बी नॉट आई के प्लस के कैप डॉट एरिया वेक्टर चाहिए। अब मेरे को, अब मैं एक एक पॉइंट को देखो यहाँ पे बनाता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो ए है 0,0,0, तो ये 0,0,0 ये मैंने बना दिया। फिर जो बी पॉइंट है वो है L,0,0, मतलब एक्स एक्सिस पर है इसका अगला कोऑर्डिनेट, तो ये बी पॉइंट हो गया जो L,0,0 है। अच्छे से समझते जाना। फिर सी पॉइंट है L,L,0, मतलब यहां पर आ जाएगा L,L,0, ये सी पॉइंट हो गया। देखो ये L है और ये L हो गया, एक्स एक्सिस पे ये L और वाई एक्सिस पे ये L हो गया। फिर है सी पॉइंट L, सी पॉइंट हो गया। फिर डी पॉइंट है 0,L,0, ये जो डी पॉइंट है केवल यहां पर है, ये वाई एक्सिस पे, ये यहां पर। तो अपना ये ए पॉइंट, फिर ये बी पॉइंट और ये फिर सी पॉइंट और ये फिर डी पॉइंट। फिर E पॉइंट है 0,L,L, मतलब ये X कोऑर्डिनेट तो 0 है और Y और Z जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो L,L है, तो ये हो गया आपके ये यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं E पॉइंट हो गया आपका 0,L,L। फिर E के बाद में F पॉइंट है 0,0,L, मतलब ये केवल Z एक्सिस पे है, 0,0,L है ना, ये 0,0,L ये F पर हो गया। एंड देन फिर वापस आप इसको ओरिजिन से जोड़ दो, ये पूरा आपका एक ये लूप बन गया, ठीक है। ये लूप जो है इसका आधा हिस्सा यहां पर है और आधा हिस्सा ये वाला है। अब आपको बताना नेट फ्लक्स कितना है। तो अब देखो जो हमारा एरिया है ना, इसके दो पार्ट बन गए। थोड़ा सा एक काम करता हूं, मैं एक नया पेन ले लेता हूं जिससे इनकी डायरेक्शंस और अच्छे से दिखा सके। जो पहला वाला हिस्सा है ना, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये ऊपर की तरफ होगा, तो दूसरा वाला हिस्सा इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा। ये तो रेड कलर हो गया अपना, बल्कि वो ज्यादा बढ़िया था जो पहले था, है ना, वो कर लेते हैं। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये ए वन हो गया और ये वाला जो एरिया हो गया ये ए टू हो गया। तो नेट एरिया हो जाएगा आपका ए वन, ये एक्स वाई प्लेन में है एरिया, तो ये हो जाएगा ए वन के कैप इसकी डायरेक्शन, और जो ए टू है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स की तरफ। अब ए वन कितना होगा, ये L और ये वाली लेंथ भी L, तो L स्क्वायर K कैप, और A2 भी L स्क्वायर ये I कैप। L स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये I कैप प्लस K कैप की टर्म बन गई, तो ये L स्क्वायर और ये I कैप प्लस K कैप, ये B नॉट L स्क्वायर बन गया। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और K कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2B नॉट L स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी जो है मेरा सही आंसर होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, है ना, इमेजिन करना है इसके अंदर। जो जितने अच्छे से इमेजिन कर पाएगा वो उतना बढ़िया से आंसर दे देगा, ठीक है बच्चों। आपके जो भी डाउट्स हो मेरे को भेजते रहना और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डाउट था और मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड डाउट था। कीप कनेक्टेड।